नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा सुजला वायरल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ है किशोरदास स्वामी, जो कि सुजलांचल एक्सप्रेस के संपादक और सुजला महासत्याग्रह समिति के संयोजक। तो आज हमारा मुद्दा इनके साथ रहेगा सुजला जिला को लेकर। तो ये सुजला जिला की मांग है, ये मांग कब से चल रही है? सुजला जिला की मांग कोई नई मांग नहीं है, ये आज़ादी से पहले की मांग है। रियासत समय में सुजला क्षेत्र सुजानगढ़ जिला था, और हम कोई नई मांग नहीं कह रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं जो हमारा अधिकार था, जो हमारा गौरव हमसे छीना गया, वो हमें वापस लौटाया जाए। रियासतकालीन में सुजानगढ़ जिला था, और इसी मांग को लेकर राजस्थान के महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने भी इस मांग को पुनः, देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने ही शुरुआत में इस मांग को बुलंद की थी कि वापस सुजानगढ़ जो जिला था उसका गौरव मिलना चाहिए। कन्हैयालाल जी सेठिया के बाद सन्नू बहन जी विधायक हुए, उन्होंने मांग की, फिर रामेश्वर जी भाटी विधायक हुए, उन्होंने भी मांग की, और हाल ही के वर्षों में राजस्थान सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने भी सुजला क्षेत्र वापस जिला बने इस दिशा में सुजानगढ़ में ADM कार्यालय की अभी हाल ही में स्वीकृति हुई है। उससे पूर्व भी सुजानगढ़ में एडिशनल SP कार्यालय, DT ऑफिस और बिदासर को अलग से पूर्ण तहसील का दर्जा मिला है। उस दिशा में ये लगातार आंदोलन चल रहे हैं। तो आपने सुजला जिला को लेकर गत वर्षों में क्या क्या आंदोलन किए? सुजला जिला को लेकर मांग लंबे समय से चली आ रही है। लंबे समय से समय समय पर अनेक प्रकार के आयोजन आंदोलन होते रहे हैं। गत वर्षों की हम बात करें तो गत वर्षों में सुजला महासत्याग्रह समिति के द्वारा और उससे पूर्व भी सुजला संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ लगातार आंदोलन चलते रहे हैं। गत वर्षों में यहाँ बात करें अपन तो सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर 123 दिन तक लगातार सुजला जिला की मांग को लेकर धरना गया था। उसके बाद राजस्थान विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, और सुजला क्षेत्र की अन्य जो तहसीलें हमारी, लाड़नू उपखंड कार्यालय पर, बिदासर उपखंड कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन लगातार दिया जा रहा है। उसके अलावा सुजला क्षेत्र के आम व्यक्ति को जागृत करने के लिए सुजला महासत्याग्रह समिति द्वारा जन चेतना यात्रा निकाली गई। दो बार, एक 2017 में और 2018 में, दोनों बार जन चेतना यात्रा निकाली गई, और उस जन चेतना यात्रा के माध्यम से सुजला क्षेत्र सुजानगढ़, लाड़नू, बिदासर, रतनगढ़ तहसील के 200 से ज़्यादा गाँव में समिति के हमारे पूरी टीम ने हर गाँव की चौपाल तक जाकर 40,000 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर कराए। उन लोगों का स्पष्ट मांग थी, सुजला जिला हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, और वो 40,000 हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन हमने शासन और प्रशासन तक पहुंचाई। इसके अलावा भी सुजला जिला की मांग को लेकर सुजला क्षेत्र के सभी शहर सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाड़नू और बिदासर पूर्णतया बंद का प्रदर्शन भी रहा है। व्यापारियों ने भी इस बंद के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुँचाई है, और एक पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से भी हज़ारों लोगों ने पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुँचाई है। और इसके अलावा समय समय पर सतबुद्धि यज्ञ के आयोजन, मशाल जुलूस, बाजार बंद, वाहन रैली, लगातार आंदोलन जिले की मांग को लेकर सुजला क्षेत्र की जनता कर रही है। अगर ये सुजला जिला बनता है तो जिले के अंतर्गत अनेक विभागीय कार्यालय आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो विभागीय कार्यालय किस क्षेत्र में स्थापित होने चाहिए? हम मांग कर रहे हैं सुजला जिला की, तो सुजला के अंदर है सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाड़नू, और सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाड़नू को अगर मिलाकर देखें तो ये भविष्य के अंदर एक महानगर बनता है। लाड़नू के अंदर ही नज़दीक में मंगलपुला मिल चुका है, और इधर सुजानगढ़ तहसील को मिला है पूरा, तो ये लगभग 14-15 किलोमीटर लंबा चौड़ा महानगर बन रहा है। और जब अगर विभाग आया था तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ही जसवंतगढ़ के अंदर जो ताल है, यहाँ रेलवे, अगर सीकरनौखा रेलवे लाइन भी आएगी तो रेलवे जंक्शन भी सुजला कॉलेज के आसपास वाले यहाँ क्रॉसिंग होगा। तो सुजला कॉलेज के आसपास जो सरकारी ज़मीनें पड़ी है, और यहाँ के सुजला क्षेत्र के बहुत सारे भामाशाह है, दानदाता है, उन बहुत सारे दानदाता जिन्होंने बाहर जाकर भी अपनी माटी का गौरव बढ़ाया है, तो वो अगर जिला बनता है तो ज़मीन देने के लिए खूब तैयार बैठे हैं। तो वो विभागीय कार्यालय सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाड़नू के बीच के इलाके के अंदर यहाँ विभागीय कार्यालय आए जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ की जनता की कहे या उदासीनता कहे या यहाँ के राजनेताओं की दूरदृष्टि का अभाव, यहाँ वन विभाग जो गोचर की ज़मीन थी वहाँ आज वन विभाग आ रहा है। तो वन विभाग के अंदर आने वाले न तो वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे, न यहाँ के नागरिक सुरक्षित रहेंगे। अगर इसी ज़मीन का उपयोग
यहाँ एक जिला स्तरीय स्टेडियम बने, यहाँ एक एयरपोर्ट टाइप की हवाई पट्टी बने, बहुत सारे विकास के आयाम यहाँ की धरा भूमि से हम स्थापित कर सकते हैं। जिला के लिए जो जो उपयुक्त कार्य लिए है वो बहुत अच्छी संख्या में यहाँ आराम से स्थापित हो सकते हैं। ज़मीन की यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है, यहाँ के लोगों में अपनी मातृभूमि के खोए हुए स्वमान और स्वाभिमान को प्राप्त करने के लिए कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है सरकार को इसके ऊपर उचित ध्यान देकर जो वर्षों से चली मांग आ रही है उनके ऊपर उनकी मांग वाजिब मांग है वो पूरी की जाए। जैसा कि आपका आंदोलन है सुजला जिला को लेकर, तो सुजला जिले में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने चाहिए? हमारी मांग है जैसा कि सुजला टाइटल के अंदर भी छुपा है, सुजानगढ़, लाडनू, बिदासर, रतनगढ़, ये चार पूर्ण तहसील है। इसके अलावा डीडवाना क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा चार उप तहसील है, निम्बी, राजलदेसर, सालासर और नेछवा। इन चारों में से किसी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा देकर भी सुजला जिला का जो मापदंड है क्षेत्रफल के आधार पर वो पूरा किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि इतना छोटा सा क्षेत्र है, मात्र दो ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो आप गत शासनों में जो नए जिले बने हैं प्रतापगढ़, बूंदी, उनका क्षेत्रफल देख लेना और उनका रेवेन्यू देख लेना। उन हर मापदंडों में सुजला क्षेत्र आज इस स्थिति में है कि प्रदेश में कोई एक अगर जिला बने तो सबसे योग्य अगर जिला बनने की स्थिति में है तो वो सुजला क्षेत्र है। ये जो अपने सुजला क्षेत्र की मांग है, ये सुजला क्षेत्र इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ये भौगोलिक क्षेत्र जिला नहीं होने के कारण आम जनता को क्या क्या असुविधा हो रही है, उनको क्या क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हर एक छोटे बड़े काम के लिए यहाँ के क्षेत्र की जनता को नित्य प्रतिदिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। छोटे मोटे काम के लिए सुजानगढ़ बिदासर क्षेत्र के सीमांत जो गाँव के व्यक्ति है उनको जिला के अंदर पर जाने के लिए एक दिन पहले निकलना पड़ता है, और कई बार तो ये होता है जाने के बाद भी काम नहीं होता है, वो पहुंचते हैं तब तक कार्यालय बंद हो जाते हैं, कई बार अधिकारी नहीं मिलते हैं। तो हर एक छोटे मोटे जिला के अंदर पर होने वाले काम के लिए यहाँ इस क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को बड़ी कठिनाइयों का सामना होता है। इसी प्रकार नागौर में लाडनू क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनको नागौर जाने में 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ जाने में बड़ी असुविधा रहती है। तो समय, साधन, संसाधन तीनों हर व्यक्ति का जिनका जिला केंद्र पे काम होता है, अधिकारियों से काम रहता है, उनको व्यर्थ में गंवाना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ शासन के बड़े अधिकारी, प्रशासन के बड़े अधिकारी नहीं बैठने के कारण कानून व्यवस्था भी लचर रहती है। कई बार देखते हैं इस प्रकार के क्राइम से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित ऐसी घटना दुर्घटनाएँ होती है तो जिला केंद्र से आने वाले अधिकारी अत्यधिक दूरी के कारण वो नहीं आ पाते हैं, तो स्थानीय प्रशासन के ऊपर पकड़ ढीली रहती है और अपराधों में, दुर्घटनाओं में भी कई बार इजाफा होता है। अनुसार प्रदेश में नए जिलों की मांग को लेकर सरकार का क्या रुख है? देखिए, सरकार ने पिछले गहलोत सरकार के समय में भी एक कमेटी बना रखी थी, उस कमेटी के माध्यम से जिन जिन क्षेत्रों में आंदोलन हो रही है, जिले की लेकर मांग चल रही है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद शासन बदल गया, फिर वसुंधरा सरकार में भी एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के साथ जहाँ जहाँ वही उसी प्रकार जो आंदोलन चल रहे थे उनकी रिपोर्ट तैयार की गई, परंतु दोनों ही शासनों में जिले की घोषणा नहीं की गई है। रही बात हमारे समकक्षी जो लोग जिले की मांग कर रहे हैं, डीडवाना जिले को लेकर राजनीतिक प्रभाव के कारण पिछले टाइम में ऐसा वातावरण बन गया था कि एक दो समाचार पत्रों में खबर आने के बाद कि सरकार नए जिला को घोषणा करने वाली है और उसके अंदर ये रिपोर्ट में दे दिया, फला फला सूत्रों से पता चल रहा है कि इन इन क्षेत्रों को जिला बना रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के अंदर आ रहा था कि डीडवाना को बनाया जा सकता है। और उस रिपोर्ट के बाद सुजला क्षेत्र की जनता ने हुंकार भरी और उन्होंने तय किया कि हमारे साथ राजनीतिक दबाव के कारण भेदभाव को हम मंजूर नहीं करेंगे। और उसके बाद क्षेत्र में आंदोलन ने भी एक नई अंगड़ाई ली और उस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि जो सरकार दबाव के कारण, राजनीतिक पक्षपात के कारण जो कुछ नए जिले की घोषणा करने वाली थी वो घोषणा नहीं हुई। आज के दृष्टिकोण में हमारे समकक्ष क्षेत्रों में जो भी मांग हो रही है उस हर परिप्रेक्ष्य में सुजला क्षेत्र रेवेन्यू से लेकर, क्षेत्रफल से लेकर, हर एक दृष्टिकोण से, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र से, पर्यटक क्षेत्र से, यहाँ के प्रवासी लोगों से, हर एक क्षेत्र से आप दृष्टिकोण पर नज़र डालोगे तो आपको मिलेगा कि सुजला क्षेत्र
हकीकत में प्रदेश में अगर एक भी नया जिला बने तो सबसे दावेदार अगर कोई जिला है तो सुजला क्षेत्र है, क्योंकि सुजला क्षेत्र की मांग नागौर जिले से भी हो रही है और चूरू जिले से भी हो रही है। तो अगर सुजला जिला बनता है तो दो जिलों की जो मांग है, नागौर और चूरू जिला, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े हैं, शासन और प्रशासन को अपनी हर प्रकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में भी परेशानी आती है, तो सुजला जिला बनता है तो दो क्षेत्र के जिला के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा, और उस विकास के दृष्टिकोण से यहाँ जो भी साधन संसाधन चाहिए वो सब सुजला क्षेत्र की धराभूमि के अंदर मौजूद है और यहाँ के बामासा और यहाँ के लोग वो सब समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो इस सुजला जिले को लेकर आम जनता के क्या विचार है कि वो सुजला जिला क्यों बनाना चाहती है, और इस जो आपने जो मुहिम चलाई है उसको जनता कैसे आहुति दे सकती है, इसको और कैसे बढ़ा सकती है? देखिए, सुजला जिला ही एकमात्र सुजला क्षेत्र के समग्र विकास का एकमात्र रास्ता है। अब ये दौर बदल रहा है और करवट लेते इस दौर में मांग होनी चाहिए कि जब जिला के अंदर पर चूरू में मेडिकल कॉलेज खुल सकती है तो फिर सुजला क्षेत्र में क्यों नहीं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं आ सकती, यहाँ जब चूरू में नेचर पार्क बन सकता है तो सुजला क्षेत्र में इस प्रकार का नेचर पार्क क्यों नहीं बन सकता, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के छात्रों को प्रैक्टिस करने के लिए खेल मैदान क्यों नहीं मिल पाता। और ये सब तब होगा अगर एक बार सुजला जिला बन गया तो यहाँ स्कूल, कॉलेज, प्रशासनिक विभाग, यहाँ अगर कलेक्टर बैठेंगे, एसपी बैठेंगे तो कानून व्यवस्था के अंदर भी पूरा परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। आम व्यक्ति इस आंदोलन के साथ भी, फिलहाल देश के अंदर कोरोना का जो वैश्विक महामारी चल रही है उसके कारण कई आंदोलन के ऊपर सरकार ने रोक लगा रखी है, परंतु जैसे ही ये एक जो दर्दनाक दौर चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद सुजला महासत्याग्रह समिति द्वारा एक बार पुनः इस आंदोलन को तेज़ किया जाएगा, शासन प्रशासन तक इस बात को वापस पुरजोर तरीके से रखी जाएगी, तो आने वाले समय में जिले को लेकर जब भी बड़े आंदोलन हो वहाँ अपनी आवाज़ मुखर करे और हर एक आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और एक ये संकल्प ले ले कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मुझे रोज़गार, मैंने शिक्षा यहाँ इस क्षेत्र में ली है, मेरा भरण पोषण इस सुजला क्षेत्र की मातृभूमि के ऊपर ही हुआ है, तो मेरे लिए सुजला क्षेत्र की मातृभूमि ही भारत माता है और मेरे इस भारत माता का समग्र विकास सुजला जिला से हो सकता है। जैसा कि इन्होंने अपने विचार रखे सुजला जिला को लेकर, आम जनता के विचार रखे, तो इससे हमें पता चलेगा और जो भी दर्शक ये वीडियो देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि यह केवल एक आम जनता या फिर कोई संस्था की मांग नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है जो सुजला क्षेत्र में रहता है। तो इस आंदोलन से जुड़ने के लिए संपर्क करें, जो नीचे दिए गए नंबर है उनसे संपर्क करें और इस आंदोलन में अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी दें।